कलता लोहा यह कहानी शेखर जोशी द्वारा लिखित है। इस कहानी में उन्होंने जातीय अभिमान के पिघलने और उसे रचनात्मक कार्य में ढलते हुए दिखाया है। यानी कि मोहन जो होता है एक ब्राह्मण का लड़का होता है और अंत में वो लोहार का बिजनेस अपना लेता है। तो ये शुरू करते हैं अपनी कहानी को। मोहन के पिता वंशीधर जो हैं वो पुरोहिती करते हैं, पुरोहिती का बिजनेस करते हैं, यानी कि किसी के घर जाकर पूजा पाठ करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उनका पुत्र है मोहन। मोहन का सहपाठी धनराम है। मोहन के पिता लोग उनके संयम और तप के कारण उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन वो अब बूढ़े हो चुके थे और व्रत उपवास नहीं रख सकते थे। उन्होंने गहरी सांस में अपने बेटे को बताया कि चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने नहीं जा सकते। बेटे मोहन ने उनका आशय समझ लिया, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दिया और उन्होंने पिता का भार हल्का करने के लिए हंसुआ उठाया। हंसुआ होता है खेती करने के लिए एक छोटा सा लोहे का औजार, और उसे धार तेज कराने के लिए धनराम लोहार के यहाँ चला जाता है मोहन। वह चाहता है कि हंसुए से खेती करके कुछ काम शुरू कर ले। धनराम उसका सहपाठी है। मोहन एक खाली कनस्तर पर बैठकर उसका काम देखने लग जाता है। अचानक दोनों को अपने स्कूल के मास्टर की, जिनका नाम त्रिलोक सिंह है, उनकी याद आ जाती है और वे हंस हंस कर उनको याद करने लग जाते हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह का मोहन को प्यार करना, उसे कक्षा का मॉनिटर बना देना, उसके हाथों कमजोर लड़कों को सजा दिलवाना, मोहन के सुनहरे भविष्य की बातें करना, धनराम का गणित में नालायक होना और मास्टर जी उन्हें डंडे से पीटते थे, ये सब बातें उन्हें याद आने लग जाती हैं। यहाँ पर धनराम को 13 का पहाड़ा याद नहीं होता था। वह मार खाने पर भी अधिक नहीं सीख सका। तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने व्यंग्य में ये कहा कि तेरे दिमाग में लोहा भरा हुआ है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। यह कहकर मास्टर जी ने उसे 5-6 दरातियां धार लगाने के लिए दे दी। तभी से वह पिता गंगाराम के साथ धोकने फूकने, सान लगाने और घन चलाने के काम में लग गया। ये सब लोहारी के काम होते हैं। धोकने फूकना यानी एक इस तरह की मशीन होती है जिससे आंच जलने लग जाती है। घन लगाना होता है लोहे को कूटना, ये काम वो करने लग गया। उसके पिता का नाम गंगाराम था, उनके साथ वह ये काम करने लग गया। उसके पिता ठीक से काम ना करने पर उसे पीटते थे। एक दिन वह भी आया जब वो चल बसे, यानी उनकी वो ऑफ हो गए। धनराम उनकी जगह लोहार का काम करने लग गया। मोहन को तो प्राइमरी शिक्षा पूरी करते ही छात्रवृत्ति मिल गई। इससे उत्साहित होकर उसके पिता ने सोचा कि उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कूल में भेज दिया जो 4 किलोमीटर दूर था। रास्ते में 2 मील की ऊंची चढ़ाई थी, बीच में एक नदी थी, फिर भी मोहन स्कूल चला जाता। जब वह थका मांदा घर आता तो उसके पिता विद्यावेशनी बालकों के उदाहरण देकर उसे उत्साहित करते। एक दिन वह वापसी में नदी पार कर रहा था कि पानी चढ़ गया। कुछ घसियारे यानी घास लेने वाले साथ थे, जैसे तैसे करके सब सुरक्षित पहुंच गए। परंतु उस दिन से मोहन के पिता को डर लग गया और उन्होंने उसे स्कूल नहीं भेजा। उन्हीं दिनों रमेश नाम का एक युवक जो था वो उनके गांव में आया हुआ था, लखनऊ से वह आया था। मोहन के पिता ने मोहन की पढ़ाई के बारे में उसे चिंतित होकर बताया। मोहन के पिता ने कहा कि वह मोहन की पढ़ाई के बारे में चिंतित है, ये उस रमेश नामक युवक को उन्होंने बताया। रमेश ने उनके साथ सहानुभूति प्रकट की और मोहन को लखनऊ भेजने के लिए कहा।
उसने कहा कि जहाँ घर में चार लोग हैं वहाँ पांचवा भी रह लेगा और शहर में रहकर इसकी पढ़ाई हो जाएगी। वंशीधर को जैसे राम मिल गया, वंशीधर जो मोहन के पिता हैं इन्हें जैसे राम मिल गया, भगवान मिल गया, उन्होंने मोहन को लखनऊ भेज दिया, मोहन को लखनऊ भेज दिया। परंतु लखनऊ में मोहन सहमा सहमा रहने लग गया, उससे नौकरों की तरह काम करवाया जाता था। मोहन से नौकरों की तरह घर के काम कराए जाते थे, उससे घर के सारे काम कराए जाते थे। उसे स्कूल में डाला तो गया लेकिन घर के कामों के कारण वह जैसे तैसे ही पास हो पाया। घर में सारे काम उससे कराए जाते थे तो वह जैसे तैसे ही पास हो पाया। मोहन ने हर परिस्थिति से समझौता करना सीख लिया और वह अपने पिता को सच्चाई इसलिए नहीं बताता था कि उसके पिता दुखी ना हो जाए। आठवीं पास करने के बाद मोहन को रमेश ने आगे नहीं पढ़ाया, कहा कि बीए एमए करके तो लोग बेकार घूमते हैं, इसलिए उसे तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा दिया और घर की दिनचर्या पहले की तरह चलती रही। डेढ़ दो साल बाद वह बेकार हो गया और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर हर किसी को मोहन के बारे में यही बताते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर अफसर बनेगा और अफसर बनकर ही घर आएगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। धनराम ने उनसे मोहन के बारे में पूछा तो वे झूठ बोल गए। धनराम ने उनसे यही कहा, मोहन लाला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। मोहन और धनराम अपने स्कूल की याद करते करते कहीं खो गए। प्रायः ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले के यहाँ बैठते नहीं हैं, मतलब ब्राह्मण जो लोग हैं वो लोहार वगैरह के यहाँ बैठते नहीं हैं, खड़े खड़े अपनी बात निपटा लेते हैं, यानी कि वो खड़े रहकर ही अपनी बातें कर लेते हैं। परंतु मोहन धनश्याम की कार्यशाला में जमकर बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लग गया। धनराम अपने काम में लगा रहा, वह लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल कर रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी। निहाई यानी एक लोहे का स्थान होता है जिस पर लोहे को रखकर मोड़ा जाता है, तो यह उससे फंस नहीं रही थी। इस कारण से वह ढंग से इसे मोड़ नहीं पा रहा था, मुड़ नहीं रही थी वह। तो यह देखकर मोहन अपनी जगह से उठा और कुशलतापूर्वक लोहे को स्थिर किया, नपीतीली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोला बना दिया। मोहन ने यह काम इतनी कुशलता और स्फूर्ति से किया कि धनराम यह देखता रह गया। धनराम को इससे बड़ी हैरानी हुई, वह हैरान हो गया कि ब्राह्मण के लड़के ने लोहार का काम करना कैसे सीख लिया। मोहन इन सब बातों से बेलाग होकर के लोहे के छल्ले की गुलाई को जाँच रहा था कि उसने किस प्रकार से लोहे के छल्ले को आसानी से गोल कर दिया। उसकी आंखों में यह काम करने की चमक थी, यानी कि सृजन की चमक इसे कहा है, और प्रशंसा पाने का भाव था। तो इस कहानी में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से जातीय अभिमान खत्म करके मोहन ने सुनार लोहार का काम सीख लिया था और उसे कुशलतापूर्वक करना वह सीख गया था, और यहाँ पर उसका रचनात्मक कार्य जो है वह भी दिखाया है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।